बस ये बताइए कि अब अमल कैसे करना है इस पे। मैंने चाचू से बात की है, उन्हें भी कोई एतराज नहीं है। मैं तो कहता हूं कि सीधा उसके घर से उसको उठा ले। आप मुझे सिर्फ इतना पता करके बता दें कि आपका बेटा उस दिन उसके साथ घर पे मौजूद है या नहीं, वरना तो अवाल हो सकता है ना। अरे रुको रुको, तुम तो हवा के घोड़े पे सवार हो गए। हमें जो भी कदम उठाना है बहुत सोच समझ कर उठाना। अब और क्या सोचना है आपने? आपके लिए तो अच्छा है ना, आपके और बेटी की जान छूट जाए उससे। नहीं फरमान, नहीं। विरसा को घर से उठाना हमारे पास लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तुम्हें जल्दी पड़ी हुई है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरा इकलौता बेटा उसके साथ रहता है और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे मेरे बेटे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी हो। कमाल करते हैं हरे साहब आप। मैं तो बस आपसे इतना ही कह रहा हूं कि जिस दिन आपका बेटा। नहीं, अभी फिलहाल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तो क्या फिलहाल? तमाशा देखेगा बैठ के, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। अरे मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगा, मैं भी किसी तमाशे के इंतजार में हूं जो बहुत जल्द होने वाला है। मैं तुम्हें एक काम बताता हूं। काम यह है कि अगर तुम विरसा को